प्रजापति, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो जो सीबीएसई के हम जो पैरामीटर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे लेक्चर्स में, उसमें एमसीएच, एमसीएससी और पीसीबी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था और जाना था कि पीसीबी क्या होता है और किन किन कारणों से बढ़ता है, कम होता है और उसका फॉर्मूला क्या है उसके बारे में, और किस किस चीज़ की डिफिशियंसी से होता है और किन किन डिजीज़ के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो सीबीएसई के जो पैरामीटर्स हैं उसमें अगला जो पैरामीटर है वो है हमारा एमसीवी। एमसीवी के बारे में आज बात करेंगे। इसके बाद हमारा एक पैरामीटर और रह जाएगा जो है आरडब्ल्यूडी। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे पेशेंट्स की एनीमिया के टाइप्स की, कौन से टाइप का उसको एनीमिया है। इन जितने भी हमने पैरामीटर्स पढ़ लिए हैं तो आज हम जानते हैं एमसीवी के बारे में। तो एमसीवी क्या है आज हम उसे जानेंगे। तो एमसीवी की फुल फॉर्म होती है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी कि हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो आरबीसीज होती हैं उनका एवरेज साइज कितना है, उनका जो है एवरेज साइज कितना है रेड ब्लड सेल्स का, उसके बारे में हमें क्या होती है एमसीवी क्या करता है जानकारी देता है। रेड ब्लड सेल का नॉर्मल साइज होता है हमारा 6 to 10 माइक्रोन्स होता है, ये हमारा आरबीसी का साइज होता है। तो जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है वो हमें बताती है कि हमारी जो आरबीसी है उसका एवरेज वॉल्यूम, यानी कि उसका साइज जो है एवरेज, वो एक सेल का कितना साइज है उसके बारे में हमको ये बताएगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि सेल बड़ी है, सेल का साइज बढ़ चुका है, सेल का साइज छोटा हो गया है, या सेल अपने नॉर्मल साइज में है, उससे हमें जानकारी मिलेगी। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो आरबीसी हमने माना ये नॉर्मल साइज में, तो अगर ये इसका नॉर्मल साइज है, तो अगर ये नॉर्मल साइज में है हमारा, तो आरबीसी तो हमारा एमसीवी क्या होगा, हमारा एमसीवी उस कंडीशन में क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। एमसीवी की जो वैल्यू होती है वो होती है 80 to 100 फेमटो लीटर, ये क्या होती है इसकी नॉर्मल रेंज होती है, किसकी एमसीवी की। अगर एमसीवी की एमसीवी जो है हमारा आ रहा है वो नॉर्मल रेंज में 80 to 100 के बीच में, रिपोर्ट्स में आप सीबीसी के आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेल्स है उसका साइज नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मोसिटिक है। क्या है उसको हम कहेंगे आरबीसी नॉर्मोसिटिक, यानी कि सेल का साइज जो है नॉर्मल है। जैसे कि आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है नॉर्मल साइज में, अगर नॉर्मोसिटिक उनकी सेल है, और अगर यही हमारा जो एमसीवी है उसका वैल्यू अगर कम हो जाए, किससे 80 से कम हो जाए, 80 से नीचे जा रहे हैं 70, 60, 75 कुछ भी हो गया, तो अगर उसकी वैल्यू हमें कम दिखाई दे रही है तो उसका मतलब ये है कि हमारा आरबीसी का साइज जो है वो छोटा हो चुका है, उसमें आयरन की कमी की वजह से, हमारी बॉडी में डिफिशियंसी की वजह से उसका साइज जो है छोटा हो गया है, जिसका मेन रीज़न होता है आयरन की डिफिशियंसी। जैसे कि आपको स्क्रीन में अभी दिखाई दे रहा होगा, आयरन की डिफिशियंसी होने पर माइक्रोसिटिक एनीमिया में सेल का साइज कैसे छोटा हो गया है, ठीक है। फिर अगर इसका हमारा एमसीवी का साइज क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, एमसीवी का साइज क्या हो गया हमारा, ज़्यादा हो गया, 100 से ऊपर चला गया, 110 हो गया, 108 मिल रहा है हमें देखने को, 100 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसमें क्या होगा हमारा आरबीसी का जो साइज है वो क्या हो गया, बड़ा हो चुका है। क्या हो गया है, बड़ा हो चुका है, हमें इस चीज़ का इसका हम इससे जान सकते हैं। जैसे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आपको आरबीसी का साइज क्या नॉर्मल से बड़ा हो गया। मेनली क्यों बड़ा होता है आरबीसी का साइज, वो होता है हमारा फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की इनकी जो कमी हो जाती है, विटामिन बी की उसकी कमी अगर बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए तो हमारा सेल का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है उस कंडीशन में, ठीक है। तो हमारे हमने नॉर्मल रेंज जाने एमसीवी की कितनी होती है, और एमसीवी को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो एमसीवी इक्वल टू होता है पीसीवी हमारा पैक सेल वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन आरबीसी। आरबीसी का जो हमारा काउंट है कि हमारा आरबीसी कितना है उसकी वैल्यू, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर एमसीवी इक्वल टू, मान लीजिए किसी पेशेंट का पैक सेल वॉल्यूम हमारा कितना है किसी पेशेंट का, 50 मान के चल लिया, 50 है, मैंने 50 ले लिया इंटू 10 अपॉन, और आरबीसी मैंने मान लिया कितना है उसका, आरबीसी इसका 5 मिलियन है, इसमें हम मिलियन में लेते हैं, ठीक है, तो 5 मिलियन है टू, तो इसका जो हमारा एमसीवी जो आएगा वो आएगा हमारा 100, यानी कि ये 80 to 100 के रेंज में, यानी कि हमारा जो सेल का साइज है वो क्या है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट के अंदर, सेल का साइज जो है नॉर्मल है, ना वो छोटा है ना वो बड़ा हुआ है। तो ये फॉर्मूला है, इसमें अगर हमें पीसीबी और आरबीसी की हमें पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी सेल का साइज हमको निकाल सकते हैं आराम से। अब किन किन कंडीशन में ये हमारा एमसीबी कम देखने को हमें मिलेगा,
MCB किन किन कंडीशनों में देखने को मिला। अगर आपका MCB की वैल्यू रिपोर्ट्स में कम आ रही है, इसका मतलब यह है कि आपको माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। क्या है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया आपको हो सकता है, यानी कि आपकी सेल का साइज क्या है, छोटा हो गया है, क्योंकि MCB कम है। दूसरा है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है आपको, बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन के समय ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हमारा MCV हमको क्या होगा, लो देखने को मिलेगा। फिर एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, अगर आपको अल्सर है, अल्सर की शिकायत है, और अल्सर में भी क्या हो रहा है आपको, अगर थोड़ा थोड़ा ब्लीड हो कर रहा है आपको, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी वजह से भी आपका MCV लो देखने को आपको मिलेगा। फिर है हमारा आयरन डिफिशियंसी, जो मैंने आपको बताया, जो उसका मेन कॉमन रीज़न है वो आयरन डिफिशियंसी है। अगर आपको आयरन डिफिशियंसी हुई तो आपको माइक्रोसिटिक एनीमिया होना कन्फर्म है कि होगा ही होगा। फिर है हमारा पुअर डाइटरी इनटेक, खाने में फिर वही आयरन की अगर डिफिशियंसी हो गई, आपने जो आप भी फूड ले रहे हैं वो आयरन रिच फूड नहीं ले रहे हैं, या आपका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, तो उस कंडीशन में हमारा MCV लो देखने को मिलेगा। अब क्या सिम्टम आएंगे, किन किन सिम्टम से पता लगा सकते हैं, तो सिम्टम आप जनरली हम MCH, MCSC वगैरह में, BCV सब में पढ़ चुके हैं। फटीक होगी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बॉडी में पूरी नहीं हो रही, तो फटीक तो कॉमन सिम्टम है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, पेल स्किन, स्किन पीली पड़ जाएगी, और लॉस ऑफ स्टेमिना, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही नहीं पहुँचेगी, ATP का फॉर्मेशन होना नहीं है, तो जितने भी ये सब वीकनेस बॉडी में, फटीग, ये सब चीज़ें हमें आने लगेंगे, कॉमन सिम्टम है सारे। फिर किन किन कंडीशन में हमें MCV हाई देखने को मिलेगा, पहला है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक में साइज बड़ा हो जाएगा, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की हमें क्या होगी, डिफिशेंसी के वजह से होता है मेनली, मैंने आपको बताया। जो साइज MCHC में देखा होगा आपने, MCH में देखा होगा, सब में अगर साइज बढ़ रहा है तो वो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का ही एक कारण होता है। फिर है फॉलेट डिफिशियंसी, फॉलेट फॉलिक एसिड को हम बोलते हैं, फॉलेट जो होता है वो हम जो नेचुरल फॉलिक लेते हैं उसको फॉलेट बोलते हैं, और जो केमिकली बना हुआ होता है, ह्यूमन ने जो बनाया हमारा सप्लीमेंट, उसको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। तो फॉलेट फॉलिक एसिड सेम चीज़ है। सिम्टम हमें इसमें क्या देखने को मिलेंगे, फटीग देखने को मिलेगी, थकान इसमें भी देखने को मिली, अनयूजुअल ब्लीडिंग होने लगी, स्किन पे पैचेस रेड से बन जाएंगे, स्क्रीन पे मैंने दिखाया है, जैसे दिख रहा होगा आपको, स्किन पे रेडनेस, अनयूजुअल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी, ये भी हो सकता है इसमें। कोल्ड हैंड एंड फीट, हाथ आपके, आप हाथ जो हैं आपके, और नीचे के जो पंजे हैं, पैर हैं आपके, फीट से, वो आपको इसमें क्या होंगे, कोल्ड, ठंडे रहेंगे, इसमें ठंडे पड़ जाते हैं हाथ और पैर, इसमें देखने को आपको मिलेंगे। तो ये था हमारा MCV की नॉर्मल रेंज के बारे में जाना, फॉर्मूला किससे हम उसको निकाल सकते हैं, MCV लो किसका नेचर मिलेगा, सिम्टम क्या है, और इसके हाई के सिम्टम क्या है, हाई क्यों होता है, मेनली मैंने आपको कॉज बताया कि हाई अगर आपका साइज बढ़ रहा है तो फॉलिक एसिड मान के चलिए बॉडी के अंदर डिफिशियंसी आ चुकी है, अगर साइज छोटा हो रहा है तो आयरन डिफिशियंसी है आपको होने के चांस है, उसके वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने MCH को जाना, MCHC को जान लिया, हमने PCV पढ़ा लास्ट लेक्चर में, PCV के बारे में जाना, आज हमने MCV के बारे में जान लिया, और हमारा एक RWD एक और हमारा पैरामीटर है जो हमारा रह गया है, इसको हम फिनिश करेंगे, उसके बाद हम इनके बेस पे पता लगाएंगे कि पेशेंट को किस टाइप का एनीमिया है, और इस एनीमिया को हम किस तरीके से सही कर सकते हैं, क्या क्या हम इसमें मेडिसिंस वगैरह पेशेंट को दे सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आई होप बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे लेक्चर्स को, आपको अगर डायग्नोसिस के बारे में सीखना है एनीमिया की, तो आप पहले के लेक्चर्स भी सही से देखिए, इन्हें देखिए, और RWD को आप देखेंगे सही से लेक्चर को आने वाले, उसके बाद हम जो रिपोर्ट्स है उसको अच्छे से देखेंगे और फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हों जो मेडिकल से रिलेटेड हों, कोई भी कोर्स कर रहे हों, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू।